तो वेलकम है दोस्तों। देखिए झारखंड नर्सिंग जो है खुल गया फिर से वैकेंसी। बीएससी नर्सिंग के तहत आपको बीएससी नर्सिंग, ठीक है, बेसिक और पोस्ट दोनों के लिए, साथ ही एएनएम, ठीक है, और जीएनएम का फॉर्म फिर से अप्लाई हुआ शुरू हो गया है। तो अपने मोबाइल या लैपटॉप से आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए गूगल पे आएंगे और यहाँ पर सर्च मारिएगा JCE CEB, ठीक है, JCE CEB आपको सर्च मारना है। तो जैसे ही आप लिख के सर्च मारेंगे आपका जो है झारखंड JCE CEB का पोर्टल आ जाएगा, इस पर क्लिक करना है, ठीक है। एक मिनट मैं इसको कलर चेंज कर लेता हूँ। हाँ, तो इस पर आपको क्लिक कर लेना है, इसका होम पेज आपके सामने खुल जाएगा। इसके बाद इसको ऊपर उठाना है और अगर आपका मोबाइल डेस्कटॉप में नहीं होगा तो इस तरह से टच करके आपको डेस्कटॉप बना लेना है, ठीक है। ये लाइनिंग दे देना है, इससे आपका मोबाइल जो है कंप्यूटर की तरह काम करने लगेगा। और अगर आपका पहले से कंप्यूटर है तब तो कोई बात ही नहीं है। अब देखिए आगे क्या करना है आपको। यहाँ पे देखिए लिखा है कि क्लिक हेयर फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन JCE CEB, ठीक है। तो आपको इसी पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने फिर से एक नया पेज ओपन होगा और अब इसको ऊपर उठाएंगे, सबसे नीचे आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एडमिशन फॉर ब्रिज कोर्स प्रोग्राम एडमिशन, ये यहाँ पे हमें मिल रहा है, यहाँ पे चेक करना होगा। तो देखिए आपको मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हमें जो ऑप्शन दिख रहा है 5 नंबर पे, यहाँ पे है देखिए नर्सिंग एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, लास्ट डेट है आपका 29 तारीख, ठीक है। और यहाँ पे है नर्सिंग, बीएससी नर्सिंग बेसिक और पोस्ट बेसिक दोनों के लिए सेम प्रोसेस है। अगर आप जाएंगे तो आपको इसी तरह से फिल करना होगा फॉर्म। चलिए देखते हैं, ठीक है। और यहाँ पे फिर पैरामेडिकल जो है एंट्रेंस एग्जाम कॉम्पिटिटिव, उनका भी डेट दिया गया है आपका 25 तारीख लास्ट डेट है। तो आपकी यहाँ पे कोई भी फॉर्म भरिएगा, सबका सेम प्रोसेस है। प्रोसेस क्या करना होगा चलिए हम आपको बता देते हैं, ठीक है। देखिए मैं सिंपली यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ ये नर्सिंग वाले पे। तो यहाँ पे मैंने क्लिक किया, क्लिक किया, सबका सेम प्रोसेस है पूरा का पूरा। आप कोई भी फॉर्म भरिएगा, इसको ऊपर उठाइएगा, ठीक। एंड ऊपर उठाने के बाद यहाँ पे आपको कहाँ पे मिल रहा है जी, हाँ ये देखिए इस साइड अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन है, अप्लाई ऑनलाइन है ना, तो इसे अप्लाई ऑनलाइन और उसके नीचे में होगा आपका एप्लीकेशन लॉगिन। तो सबसे पहले आपको अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करना होगा। अप्लाई ऑनलाइन पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ पे चुनने को आएगा, ठीक है। सिलेक्ट योर कोर्स, आपका कोर्स चुनिएगा NM GNM, ठीक है। और यहाँ पे फिर पूछ जाएगा कि हैव यू पास्ट इंग्लिश, मतलब आपका 12th में इंग्लिश था, ठीक है, तो यस कर दीजिएगा। कोर या इलेक्टिव कुछ भी था बट था ना, हाँ था, तो ही आप भर पाएंगे, नहीं होगा तो नहीं भर पाएंगे। उसके बाद आपको अपना यहाँ पे फुल नेम देना है, ठीक है। फिर आपको यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी देनी है, फिर आपको अपना मोबाइल नंबर देना है 10 डिजिट का, ठीक है। नेक्स्ट आपको यहाँ पे एक पासवर्ड क्रिएट करना है। मान लीजिए मेरा नाम है सागर, तो मैं इस तरह से रखूँगा सागर, ठीक है। फिर फर्स्ट लेटर कैपिटल रहेगा, बाकी सभी स्मॉल। उसके बाद @ या फिर #, ठीक है, कोई भी एक स्पेशल कैरेक्टर देना है @ या #। उसके बाद 1234 या फिर 123, मतलब कोई भी डिजिट आप रख सकते हैं, ठीक है। मिनिमम 8 डिजिट का आपका पासवर्ड होना ही चाहिए। उसी पासवर्ड को फिर से रिटाइप कीजिएगा यहाँ पे और सिक्योरिटी कोड की जगह पे आपको यहाँ पे ये सिक्योरिटी कोड दे देना है, ठीक है। मैं सारा प्रोसेस बता ही देता हूँ। फिर आप लोग जैसे ही सबमिट कीजिएगा तो सबमिट करने के बाद आपके फ़ोन पे एक SMS आएगा और यहाँ पर भी आएगा आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, ठीक है। जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा आपको बैक आना है, ठीक है, बैक आना है और यहाँ पे आपको एप्लीकेशन लॉगिन पे क्लिक करना है। एप्लीकेशन लॉगिन पे क्लिक कीजिएगा। एप्लीकेशन लॉगिन पे जैसे ही आप लोग क्लिक कीजिएगा ना, तो आपको यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन मांगेगा, रजिस्ट्रेशन नंबर जो आपके मोबाइल में आएगा, SMS आ जाएगा, पासवर्ड मांगेगा, ठीक है। फिर आपको यहाँ पे सिक्योरिटी कोड में आपको ये कैप्चा कोड डाल देना है, ठीक है। एंड आपको यहाँ पे लॉगिन हो जाइएगा। लॉगिन होने के बाद आपको फोटो सिग्नेचर, आपका नाम, फादर नेम, परमानेंट एड्रेस, कम्युनिकेशन डिटेल सारा कुछ आ जाएगा, ठीक है, नाम पता वगैरह। उसके बाद आपको एडुकेशन क्वालिफिकेशन आएगा और क्या करना होगा, उसके बाद एक ऑप्शन आएगा आपका फोटो अपलोड करने का, सिग्नेचर अपलोड करने का, और एक आएगा LTI, क्या आएगा LTI का ऑप्शन आएगा। यहाँ पर आपको अपने बाएँ हाथ के अंगूठे का निशान देना है और सभी KB साइज बना लेना है, 25-30 के भी वहाँ पे ऑप्शन में रहेगा। मैं एक वीडियो बनाया हूँ वहाँ, फिर से मैं वीडियो नहीं बनाना चाहता क्योंकि कितना बताऊँ एक ही चीज़ को बार बार, ठीक है। LTI लेफ्ट थंब इम्प्रेशन का ऑप्शन आएगा, उसको डाल लेना है, फोटो लगेगा, सिग्नेचर लगेगा और बाएं हाथ के अंगूठे का निशान लगेगा, ठीक है।
और स्टाम्पेड से स्टाम्प मार के, तो ये हो गया सारे चीज़ें। उसके बाद आपको पेमेंट करना होगा और आपका फाइनल प्रिंट आउट हो जाएगा, और एग्ज़ाम डेट भी दे दिया है, तो सेम सारा कुछ यहाँ से आप लोग कर सकते हैं इसी तरह से। बाकी मैंने सब कुछ बता दिया है, आप लोग जिसको ज़रूरत है आप लोग फॉर्म भर सकते हैं खुद से, और इतना नहीं जानिएगा तो फिर आपको हायर एडुकेशन ये सब चीज़ें कैसे होंगी, ठीक है। तो आपको इतना सारी चीज़ें आप जानना ही होगा, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय। इतना सब के बाद भी अगर आपको दिक्कत होता है तो आप हमारी पिछली वीडियो को देख सकते हैं, सर्च मारिएगा हमारा चैनल का नाम लेकर के कि झारखंड बीएससी नर्सिंग एनएमजीएनएम का फॉर्म कैसे भरें, या फिर बीएससी नर्सिंग बेसिक या पोस्ट बेसिक का फॉर्म कैसे भरें, सब कुछ मैंने बता दिया पिछली वीडियो में, पूरी डिटेल में प्रिंट आउट तक मैंने बता दिया है, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।